हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल वेज किचन तड़का में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं और इनको 20 मिनट के लिए भिगो के अच्छे से धो लिया था। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं। 1 कप मैंने मटर लिए हैं, ये फ्रोजन मटर हैं। 1 बड़े साइज़ का प्याज, 3-4 हरी मिर्चें, उनको मैंने लंबा काट लिया है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच गरम मसाला, 3-4 लौंग, 2 मोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और काजू लिए हैं थोड़े से, और मैंने 2 कप पानी लिया है। कढ़ाई में मैंने 1/2 चम्मच तेल डाल दिया है। इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हमारा चटकने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची। इलायची को मैंने तोड़ के डाला है, ऐसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, हरी मिर्चें भी डाल देंगे। अब इनको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 3-4 मिनट के लिए। अब हम इसमें काजू डाल देंगे। काजू को भी प्याज के साथ ही भून लेंगे। अब हम मटर डाल देंगे। मटर को हम 5 मिनट के लिए ऐसे पका लेंगे, क्योंकि ये फ्रोजन मटर है, ये जल्दी गल जाते हैं। नमक डाल देंगे, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। दो कप पानी लिया था वो डाल देंगे। इनको हिला के ढक के 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा इसमें बिरयानी मसाला डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट के बाद देखिए हमारे चावल बन के तैयार हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ढक के पका लेंगे। 5 मिनट के बाद देखिए हमारे चावल बन के बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कैसे खिले खिले चावल बने हैं। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए हमारे कितने बढ़िया मटर पुलाव बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।